मेरे हाथ में वो तस्वीर है जिसमें एक ऐसी महिला विद्यमान है श्री गांधी के साथ, जिनका नाम सुनीता विश्वनाथ है। ये तस्वीर अमेरिका में राहुल गांधी की उनकी मुलाकात की है, जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड, सपोर्टेड फाइनेंशियली। इस महिला से क्या गुफ्तगू कर रहे थे श्री गांधी, इसका खुलासा केवल श्री गांधी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं इस विषय को पहले भी उठाया था कि किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं। जब जॉर्ज सोरोस के इरादे हर हिंदुस्तानी को पता थे, तब भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्री गांधी ने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी समर्थक के साथ अमेरिका में जाकर मीटिंग की? पब्लिक डोमेन में, इंटरनेट पर यह जानकारी भी उपलब्ध है कि श्री गांधी की 4 जून की न्यूयॉर्क की बैठक में रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यक्ति का नाम और नंबर दिया गया। उस व्यक्ति के, श्री अंसारी, उनके संबंध पाए गए इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में 28 फरवरी 2019 में यूएस कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, एक रेजोल्यूशन के बारे में कहा गया कि इसका संपर्क और संबंध जमाते इस्लामी के साथ है। ऐसा क्यों है कि पब्लिक डोमेन में जिनका संबंध और संपर्क जमाते इस्लामी के साथ है, उनका सहारा लेने की कांग्रेस पार्टी को नौबत आ पड़ी?